तो हम चले गए वहाँ पर देखने के लिए, और जिया का यह जो है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और जिया जब यहाँ पर गई, जिया की तो हालत खराब हो गई थी यह सब देखते हुए। अभी शाम का समय हो रहा है, कितने बज रहे हैं? 5:02 और पतिदेव यहाँ कर रहे हैं अपना काम। तो मैं चलती हूँ छत पे, कपड़े हैं बहुत सारे लेके आते हैं। अच्छा, वो मेरे पीछे लग जाएगा फिर। क्या कर रहा है? कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय माँ दुर्गा की जय, जय भगवान भोलेनाथ की जय। तो सभी लोग जी हो गए हैं तैयार, और क्रियांश के जो है दादा दादी भी तैयार हो गए हैं, सभी लोग निकल भी चुके हैं। हम लोग जो है बस क्रियांश को तैयार कर रहे थे और खुद तैयार होना था, तो तब तक जो है मम्मी पापा जो है निकल गए, तो उनके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। है क्रियांश, चले। क्रियांश इतना एक्साइटेड है, बाइक और आएंगे, पहले ही बाइक कर रहा है कि चलो अब यहाँ से। ठीक है तो चलते हैं। हम लोग पहुंच गए जी दुर्गा मंदिर, और जैसे ही दुर्गा मंदिर पहुंचे देखी कि वहां पर पार्किंग का थोड़ा सा दिक्कत है। फिर जी बहुत ढूंढने के बाद जो है हमें एक मिल गया पार्किंग का स्लॉट, और वहां पर जा करके जो है अपना बाइक लगा दिया, और बाइक लगाने के बाद जो है चल दिए मंदिर की तरफ। और देख सकते हैं जी कितनी ज्यादा भीड़ है, और अच्छी खासी संख्या में लोग सब आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए जी मंदिर, और मंदिर चल करके पूजा करते हैं। मम्मी पापा यहीं कहीं होंगे, तो पहले उनको फोन मिलाना होगा, एक बार मिला लेते हैं। तो अच्छी खासी भीड़ है जी इधर, तो जिया तो उधर चली गई है, तो वहाँ पूजा करके उधर चली जाएगी, और हम चलते हैं इधर से। मम्मी पापा भी आगे है, क्रियांश भी साथ में ही है। क्रियांश को इतनी भीड़ मिलाना जो सही नहीं लगा। यहाँ पर जी पूजा पाठ हो गया, और क्रियांश जो है चला गया है अपने दादा के पास। देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, दादा जी के पास है, और पूरा निहार रहा है यहाँ से वहाँ। पूजा पाठ कर लिया जी, पूजा पाठ करने के बाद अब बारी है मेला घूमने की। सबसे पहले हम लोग आ गए जी यह बबल वाले भैया के पास। क्रियांश को जो है बबल से थोड़ा डर सब भी लगता है, तो सोचा कि आज जो है कोशिश किया जाए कि क्रियांश का जो है बबल से डर जो है भाग जाए। और जब हमने देखा कि क्रियांश के सामने ढेर सारा बबल आया, और क्रियांश डरा नहीं और इंजॉय भी कर रहा था, तो चलिए जी पहले क्रियांश का जो यह भय भी दूर हो गया। फिर बारी आई जी क्रियांश को झूला झूलाने की। इस एज में जो है क्रियांश के लिए ज्यादा झूला का ऑप्शन है नहीं। एक झूला का ऑप्शन दिखा जिसमें हाथ से जो है झूलाया जा रहा था, और वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था, सिर्फ क्रियांश ही एक कस्टमर था। तो क्रियांश को लेकर के चले गए उस झूले के पास, और भैया को कहा कि आराम आराम से झुलाइए। क्रियांश जो है पहले बैठने में झिझक रहा था, लेकिन उसके बाद जो है बैठ गया, और जब बैठ गया तो मजे से एंजॉय करने लग गया हुआ। उसे भी जी क्रियांश को गाड़ी में बैठना काफी अच्छा लगता है। जब हम लोग जो है ड्राइव करने जाते हैं, और कई बार जो है गाड़ी को रोकते हैं, तो क्रियांश को जो है स्टेयरिंग के पास ले आते हैं, और स्टेयरिंग के पास खड़ा होकर के क्रियांश बहुत खेलता है। तो क्रियांश तो अपना झूला झूल लिया जी, इसके लाइक जो अभी कुछ ज्यादा दिखा नहीं, एक वही दिखा। और बाकी जी यहाँ पर जो खाने का रेडी सब लगा हुआ है ना, सबका सुगंध इतना अच्छा अच्छा आ रहा है, मन कर रहा है खा ले, लेकिन फास्ट है, तो फास्ट के समय जो है नाक बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बस चलते हैं जी सीधा यहाँ। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी 12:15, और क्रियांश जो है देख रहे हैं हफी ले रहा है, क्योंकि सवेरे उठ के जो है बहुत ही बदमाशी कर चुका है, तो अब जो लगता है थोड़ा सा थक गया है ये ना, कुछ ही देर में नींद इसकी गायब भी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है बिछाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है जी कुमारी कन्या सब, तो सभी को लेने जाने वाले हैं। हम चलेंगे और साथ में क्रियांश भी चलेगा, तो उनका भोजन होगा, फिर उसके बाद हम लोगों का भी जो भोजन होगा। रुक जाओ दो दो उसमें। इसका पिज्जा था, तो अपना पिज्जा जोड़ रही थी, ये प्लास्टिक वाला पिज्जा है इसका। हाँ, तो कहीं बड़ी माँ जोड़ेगी इसको।
कोई और नहीं छूना। मेरी पोती नहीं है, तुम्हारी कन्या है। अच्छा, तो हम भगवती के रूप में देखते हैं। हाँ हाँ, इनका जरा स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद होगा। चल सबको बैठा आसन। अच्छा, पैर सब पहले से रंगा हुआ है सबका। अच्छा, कितने जगह से आया इन्विटेशन? 7-8 जगह तो हो गया। 7-8 जगह हो गया। सुबह 7 बजे देखे थे स्टेटस। हाँ, खा चुकी। अच्छा, घर में खा। इसको भी लगेगा क्या, बटुक महाराज को? नहीं लगता है। सभी कुमारी कन्याएं बैठ चुकी है, उनको भोजन कराने से पहले उनका जो एक खोइचा भरा जा रहा है। और यहाँ पर जो छोटे से बटुक महाराज है और सबसे छोटी जो कुमारी कन्या है, इन दोनों का जो आपस में कन्वर्सेशन है जी, इसको सुनने में जी सभी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सभी को साथ में बैठती हुई और खाते हुए देख क्रियांश का भी मन कर गया कि हम भी वहां बगल में जा करके बैठे। तो क्रियांश को भी बैठा दिया गया और उसका भी एक पत्तल लगा दिया गया, उस पत्तल में डाल दिया गया एक मिठाई। लेकिन महाराज खाए क्या, बस तमाशा ही करते हैं। तो सभी का भोजन हो गया जी, और सभी का भोजन होने के बाद अब बारी थी उनकी विदाई की। तो उनकी विदाई से पहले जो उनको दक्षिणा दिया गया और सभी कुमारी कन्याओं के जो है पैर छू करके आशीर्वाद दिए गए। ठीक है, मुंह में नहीं लेते बेटा उसको। इतनी प्यारी है, बाप रे। अभी हम लोग आ गए थे छत पे, हमने अपना वीडियो शूट कर लिया और क्रियांश जो है डांस कर रहा है। क्रियांश जी, दीदिया, क्रियांश कर रहा है दीदिया। दीदिया ही अपनी दादी को कहता है। दीदिया अपनी दादी को कहता है। मम्मी ना कहती है नानी को दीदी। फिर जी सभी लोग निकल गए मेला देखने के लिए। और जब मेला देखने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देख रहे थे लगभग हर जगह जो है सजा हुआ था और लगभग हर मोहल्ले में जो है कोई ना कोई पंडाल लगा हुआ था। पूरा माहौल जो है एकदम दुर्गा पूजा को लेकर के एक जबरदस्त था हमारे शहर में। और हमारे शहर में जी दुर्गा पूजा को जो है बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है। तो सभी लोग जी पहुंच गए हैं डहरिया और यहां से सीधा चलते हैं पंडाल के पास। फिर हम लोग चले गए जी पंडाल के अंदर। और जब पंडाल के अंदर गए तो वहां पर तो भीड़ तो थी जी बहुत ज्यादा, लेकिन जी वहां पर जो खूबसूरती देखने को मिली पंडाल की, जबरदस्त पंडाल बनाया गया था। और ऐसा ही भव्य तरह का पंडाल जो है हमारी कटिहार के लगभग हर कोने में आपको देखने को मिलेगा दुर्गा पूजा के समय। तो हम लोग आ गए जी इस झूले के पास। बहुत दिनों बाद झूले जा रहे हैं झूला। हाँ हाँ, और बहुत सारा झूला सब यहाँ लगा हुआ है, लेकिन हमको लगा कि बस इसी में कंफर्टेबल होंगे, बाकी सब पसंद है। अच्छा, तुम्हारे एज के थे तो सारा झूला चलता था, अब नहीं चलता है, अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए। अच्छा, ये सब झूला के लिए बुढ़ा गए हम, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं। झूला पर हम लोग जा करके बैठ गए, लेकिन झूला पर जब बैठ गए तो जिया को डर लग रहा था मुझको लेकर के। जी हाँ, एक बार क्या हुआ था कि एक किसी झूले पर चले गया था और बहुत ही ऊंचा झूला था और बहुत ही स्पीड झुलाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो है मेरी हालत खराब हो गई थी। तो जिया को डर लग रहा था यहाँ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। और यहाँ पर जब झूलने गए तो यहाँ पर जो कुछ सब्सक्राइबर सब भी मिल गए, तो काफी अच्छा लगा उनसे मिलकर। दिखाता हूँ मैं आपको। भाई साहब, भाई साहब।
खाना पीना जिसने भी खाया होगा भर के सबका खाना निकल जाएगा इसमें। ओ भाई साहब ये घुमाया इधर घुमाया ये करे बोलू घूम के निकल ही रहे थे तो यहाँ जो गेट एंट्री का यहीं पर हमारा दोस्त मिल गया, यह हाई स्कूल क्लासमेट है और मालूम चला क्या अच्छा तुमने देखा हाँ तो अपना जी हाई स्कूल क्लासमेट है मालूम क्या चला कि भाभी जी जो है इनकी वाइफ अपने सब्सक्राइबर अच्छा फैन है चलिए काफी अच्छा लगा मिल करके इतने सपोर्ट करते रहिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे मेला घूमने के बाद अब बारी थी जी पेट पूजा की, तो पेट पूजा करने के लिए हम लोग चले गए एक नजदीकी होटल में। तो हम लोग को लगी जी भूख, सुबह से हम लोग मुढ़ी और खीर खाए थे और छोला खाए थे तो हम लोग नाश्ता भी नहीं किए थे, तो हम लोग आ गए लेके, तो ये हमने मंगवाया हुआ जी रसमलाई काफी अच्छा लगता है हमें, तो जिया ने मंगवाया हुआ छेना पाइस, तो जिया को छेना पाइस ही ज्यादा पसंद है और हमें ज्यादा पसंद है। पेट पूजा करने के बाद जी हम लोग चले गए बांकी का पंडाल घूमने के लिए, और बांकी का पंडाल सब भी जैसा कि आपको बताया था कि कटिहार में एक पर एक पंडाल सब बना हुआ है, तो यह भी पंडाल जी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और सारा पंडाल घूमने के बाद अब सोचा हमने कि अब जो है जा करके जो है देख लिया जाए मौत का कुआं, जी हाँ मौत का कुआं भी यहाँ पर लगा हुआ था, तो हम चले गए वहाँ पर देखने के लिए। और जिया का यह जो है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और जिया जब यहाँ पर गई जिया की तो हालत खराब हो गई थी यह सब देखते हुए।